तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और इसमें थोड़ा जल्दी है एक्चुअली, ऑफिस से फटाफट आया हूँ। और जो मेरी ट्रेन है लीजेंडरी ट्रेन है और राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि अपनी चल पर दूसरी राजधानी है, लेकिन ट्रेन खुलने में मात्र 20 मिनट रह गए, तो फटाफट चलते प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12958 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि देश की राजधानी को अहमदाबाद से सीधे जोड़ती है। ये डेली ट्रेन है और ये ट्रेन हमेशा नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलती है शाम को 7:55 पर। अपने पास मात्र शायद 20-21 मिनट रह गए हैं, तो चलते हैं सीधे प्लेटफॉर्म पे, बाकी बातें करेंगे ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस 935 किलोमीटर की ट्रैवल डिस्टेंस नई दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक अपने 12 घंटे 50 मिनट पूरा करती है। और इसकी 9 हॉल्ट ही आती है दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक। बस आज कोई अंकल ऊपर ना भेज दे हमें। आइए बाबा, बस टेंशन वगैरह आई जाके आनो अगर ना मोड़ तो बता दे। अर्विंद का ग्रुप बताइए ना, क्या तुम्हारे को ग्रुप चाहिए? एक नहीं, घर के नहीं, सीट 47। एक स्पेयर दे देना भैया, एक प्लास्टिक का ग्लास होगा और सर प्लास्टिक का ग्लास, और एक चिप दे देना ग्रीन वाला, एक ग्रीन चिप दे देना। इस राजधानी एक्सप्रेस के अंदर आपको 11 डब्बे मिल जाएंगे थर्ड एसी क्लास के, और सेकेंड एसी क्लास के 5 डब्बे। अगर आप फर्स्ट एसी क्लास में यात्रा करते हैं ना, तो एक डब्बा इसमें फर्स्ट एसी क्लास का भी है, एक पेंट्री कार और 2 ईओजी। ये इसका कोच कंपोजिशन है इस स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का। और बस ट्रेन खुलने वाली है, तो चलूँगा सीट के अंदर, सीट पर बैठ के आपको बताऊँगा ट्रेन के किराए के बारे में। तो बिल्कुल अपने समय पे ट्रेन डिपार्च कर रही है न्यू दिल्ली से। हैं वो अपनी सीट पे, क्योंकि अब पानी वगैरह मिलने वाला है, तो दिखाते हैं क्या क्या ट्रेन में सर्व होता है। ट्रेन स्टार्ट होती है 1 लीटर कंपलसरी वाटर, और एक्चुअली अगर आप नो फूड भी ऑप्ट करते हैं ना, लेकिन इस ट्रेन में अगर आपकी टिकट है तो आपको 1 लीटर वाटर तो कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका फूड ऑप्ट है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका इस ट्रेन में टिकट है तो आपको एक बोतल पानी डेली का 1 लीटर का ये तो मिलना ही मिलना है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में नई दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक एंड टू एंड, तो थर्ड एसी क्लास में जो कि फेयर पड़ेगा जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ 1785। और हाँ, बुकिंग करने वक्त सारी किराया ऊपर भी हो सकता है क्योंकि उसमें डायनेमिक चार्जेस लग जाएंगे, लेकिन 1785 के अंदर इसमें आपका फूड का जो है वो किराया है, इसी फूड का जो फेयर है वो इसी के अंदर है। अगर आप फूड नहीं लेंगे तो किराया थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप सेकेंड एसी क्लास में ट्रेवल करते हैं तो उसका किराया पड़ेगा 2585 के आसपास, इसमें भी डायनेमिक चार्जेस सेम रहता है, फूड भी इसी के अंदर है,
अगर आप फर्स्ट एसी क्लास में यात्रा करते हैं जिसमें मैंने अब तक कभी यात्रा नहीं किया है, तो उसका किराया पड़ेगा 3935 के आसपास। तो ये थी इस ट्रेन की किराए की जानकारी। वहाँ बुकिंग करने वक्त किराया ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि डायनेमिक चार्जेस के अंदर लगते हैं। जितना लेट बुक करिएगा उतना कम किराया आएगा और जितना पास बुक करिएगा उतना ज़्यादा किराया आएगा। ये सारे प्रीमियम ट्रेन में होता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रीमियम ट्रेनों में कि जैसे आप नए आपने देखा होगा जो काफ़ी सारे प्रीमियम ट्रेनों में टीटी सर के पास ये टैब जबकि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। मतलब अगर किसी का वेटिंग लिस्ट है या RAC है तो उसको पता भी चल जाएगा तुरंत ही। तो ये मेरे ख्याल से हर एक टीटी को ऐसा कर देना चाहिए था, मतलब नॉर्मल ट्रेनों में भी, तो जिससे RAC हाथों हाथ ही पता चल जाएगा कौन आया है कौन नहीं आया किससे कन्फर्म है। तो चलिए समय से करीब 9 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं गुड़गांव स्टेशन को। GGN 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 96 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। गुड़गांव यहाँ पे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हब है। वहीं यहाँ पे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब भी गुड़गांव में ही है। बहुत ही फेमस है गुड़गांव। यहाँ पे काफ़ी रश भी चढ़ती है इस स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में। और 9 मिनट ट्रेन लेट आई है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। तो चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर क्योंकि ट्रेन कभी भी खुल सकती है। और गुड़गांव से निकलने के बाद हमको जो है डिनर सर्व कर दिया जाता है इस ट्रेन में। उससे पहले भी कर दिया जाता है लेकिन गुड़गांव से ट्रेन निकलने के बाद वो सारा कर ही दिया जाता है। तो दिखाता हूँ मैं, एक्चुअली अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो वेज क्या क्या मिलता है। तो ये है पनीर की सब्जी एंड ये राइस और ये दाल है, दही और रोटी जो कि इनकी मील के साथ आती है। तो पहले पनीर की सब्जी ट्राई करें। कि जब मैं पिछली बार आया था ना इस ट्रेन से तो उससे तो बेटर लग रही है। हालांकि इसका व्लॉग आपको देखने को नहीं मिलेगा इस चैनल पे क्योंकि मैंने जर्नी कर रही थी इस ट्रेन में। मैंने अहमदाबाद से दिल्ली की जर्नी की थी। दाल देखिए, दाल के चिकने बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे फिनिश करके फिर आपसे मिलता हूँ।
तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी अपना बिस्तर लगा लेते हैं, थोड़ी आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जयपुर। तो फाइनली बिस्तर लग चुका है हमारा और ईस्टर्न में लीलेंस वगैरह मिलते हैं। और आप, हाँ, आप इनसे अगर जब तक आप इनसे नैपकिन मांगोगे नहीं तो वो आपको ये देंगे नहीं, तो नैपकिन ज़रूर मांगे, इनके पास होता लेकिन ये देते नहीं हैं। खैर, मैंने मांगा तो मुझे मिल गया था, आप लोग इनसे नैपकिन मांगोगे तो दे देंगे। और मैंने बिस्तर लगा लिया अपना, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ क्योंकि जयपुर आएगा रात में 11:55 के आसपास, अप्रॉक्स 12 अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो मिलता हूँ आपसे सीधे जयपुर में। आफ्टर डिनर हमें को सर्व किया जाता है आइसक्रीम अमूल का, और ट्रेन अपनी फुल 110 की स्पीड से मेंटेन करे हुई चलती है। मतलब स्पीड के लिए तो मामले तो ये राजधानी बेस्ट है, मतलब स्पीड जब से निकली 110 की स्पीड जो है मेंटेन करी रखी है इसने आफ्टर गुड़गांव। और हमको ये आइसक्रीम यहाँ पे सर्व किया गया है तो इसको फिनिश करता हूँ और बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। आइसक्रीम में टेस्ट अच्छा ही होगा वैसे अमूल का है। चलिए, समय से करीब 10 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। जयपुर अपनी ट्रेन का फोर्थ हॉल्ट है और अब तक हमने कवर किया है 309 किलोमीटर फ्रॉम द न्यू दिल्ली टू जयपुर। जयपुर 8 प्लेटफॉर्म पर एक रेलवे स्टेशन है, 156 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, 40 ट्रेन यहाँ से बनती है और 40 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और जयपुर जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से गई है सवाई माधोपुर को, एक लाइन आई है यहाँ से बांदीकुई को, एक लाइन जाएगी यहाँ से अजमेर को और एक लाइन यहाँ से जाती है रिंगस को, चार लाइन यहाँ से जाती है, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ईस्ट रूट का, मतलब यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर अब यहाँ ट्रेन से उतरते भी हैं और काफ़ी पैसेंजर ट्रेन से चढ़ते भी हैं। अब इसके बाद के स्टेशन ना रात के 2 बजे के आसपास आएगा अजमेर, उसके बाद पालना, ये सब रात में ही आएंगे, इसको मैं करूँगा स्किप, हो सके तो मैं स्किप करूँगा आबू रोड को भी, अगर आबू रोड जगह तो जरूर कवर करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे सुबह कहीं जहाँ पे मेरी नींद खुलती है, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अरुणाचल में। तो गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी हमने इसकी क्रॉस कर चुके हैं पालनपुर तक, वहीं सारे आने वाले हैं। तो मतलब जो मैंने अभी तक क्रॉस कर दिए ना स्टेशन, लाइक अजमेर, फालना, आबू रोड और पालनपुर, इन सबको स्किप कर दिया। एक्चुअली थोड़ा सा लेट उठा था मैं, अब जस्ट अभी उठाई हूँ, तो अभी महसाना आने वाला है, तो आपसे मिलता हूँ महसाना में। अब हम आ गए स्टेशन के बाहर के एरिया में, ये इसका बेस सीन है और ये सामने मिरर है, देखो व्यू क्लीन है
और ये कूड़ा रखने के लिए यहाँ पे कूड़ेदान भी है, डस्टबिन। तो चलते हैं अब इसके वॉशरूम में। ये हम आगे स्टेशन के वॉशरूम में, मिरर देख रहे हो बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ पे ये डस्टबिन, थोड़ा सा पानी भी आता है और इसमें सोप भी है, और नीचे डस्टबिन यहाँ पे भी है। और नीचे तो दिखा नहीं सकता, हालांकि नीचे बहुत क्लीन है, प्रीमियम ट्रेन है तो आपको साफ सफाई तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी है, वो आपको दिखाता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए डस्टबिन के होते हुए बोतल सारे बाहर फेंके गए हैं। अब पता है ये बोतल क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से जाएंगे ये बोतल कोई और उठा लेगा और उसमें ही आपको पानी रिफिल करके दिया जाएगा। तो आप लोग अगर बोतल को अगर यूज़ करके फेंकते भी हैं तो ऐसे ना फेंकें, थोड़ा सा उसको डिस्ट्रॉय कर दें। खैर अभी हमारी ट्रेन सिद्धपुर को स्किप करने वाली है। मुझे लगा सिद्धपुर को हम लोग काफ़ी अच्छी स्पीड से स्किप करेंगे, हालांकि यहाँ पर ट्रेन रुक गई थी फिर वापस चल गई है। और सिद्धपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, बाकी काफ़ी ट्रेनों का हॉल्ट है, हालांकि राजधानी का नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट भी दिया गया है सिद्धपुर स्टेशन में। चलिए दूसरी बार भी यहाँ पर ट्रेन रुक गई है सिद्धपुर। अभी तक की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा इस ट्रेन को लेके, स्वर्ण जयंती राजधानी को लेके। हालांकि मैं अजमेर आपको दिखा नहीं पाया, फालना दिखा नहीं पाया, आबू नहीं दिखा पाया और पालनपुर नहीं दिखा पाया, ये सारे स्टेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर भी अगर मैं इस रूट से वापस जब जाऊँगा ना तो इसको पक्का कवर करूँगा मैं। तो अभी ट्रेन हमारी सिद्धपुर पर रुकी हुई है लगभग 5 मिनट से, तो देखते हैं कब यहाँ से निकलता है, फिर आपको दिखाते हैं सिद्धपुर से उसका डिपार्चर। ट्रेन हमारी अभी तक सिद्धपुर पे ही खड़ी है, मतलब लगभग 20 मिनट होने वाले हैं तब से सिद्धपुर पे ही खड़ी है, और हमको सुबह का जो ब्रेकफास्ट वो सर्व कर दिया गया है। और अपन लोग स्टिल अभी सिद्धपुर पे ही हैं, ही लगभग आधा घंटा हो गया। और रीज़न ये है कि आगे जो है ना मालगाड़ी की कुछ बॉगी पटरी से उतर गई है, तो अब पता नहीं कभी यहाँ से ट्रेन चलेगी। खैर इस वक्त हमें महिसाना क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन अभी हम स्टिल सिद्धपुर पे ही हैं, मालगाड़ी पटरी से उतरी है तो लगभग दूसरी मतलब रेस्क्यू बन जाएगी उसको पटरी से हट उठा के वापस, लंबा टाइम लगने वाला है। खैर तो वेट करते हैं कब तक यहाँ से ट्रेन निकलती है सिद्धपुर से, और बताता हूँ आगे का अपडेट। और ब्रेकफास्ट में हमको मिला था 2 ब्रेड ब्राउन और अमूल बटर, और आपने देखा होगा 2 कटलेट वेज और जूस, मैंगो ड्रिंक और चाय। तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, यही हमें मिला था ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट अच्छा था, गर्म था, कटलेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाकी चीज़ें तो नॉर्मल होती ही होती हैं। और मतलब 1 घंटा रुकने के बाद अपनी ट्रेन सिद्धपुर से रवाना हो रही है।
स्टेशन ट्रेन अपनी निकल चुकी है, अब आपसे मिलता हूँ सीधे महेसाणा में। चलिए समय से करीब एक घंटा की देरी से हम आ चुके हैं महेसाणा। स्टेशन कोड MSH 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 109 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, 10 ट्रेन यहाँ से बनती है, 10 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है और अपनी ट्रेन एक घंटा लेट आई है यहाँ पे। पीछे सिद्धपुर में ही आपको पता है एक घंटा डिले हो गया था वहीं पर। खैर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन आई है यहाँ पे और यहाँ पे अपनी स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो राइट नाउ अभी हम पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन। ट्रेन लगभग 1 घंटा 10 मिनट की लेट से यहाँ पे पहुँचने वाली है और लेट आई थिंक मैं जो इससे पहले जब मैं आया था ना उससे तो ऑन टाइम ही थी, फिलहाल आज के दिन लेट है। खैर मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पे। और ये जो आप लोग इतनी सिक्योरिटी देख रहे हैं ना, ये सेम आज इनॉग्रेशन रन होने वाला है गांधीनगर से चलकर मुंबई को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का, ये उसी के लिए है। बिल्कुल समय से करीब 1 घंटा 10 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन।
और यहाँ से एक बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है, फर्स्ट रन भी होने वाला है। तो खैर चलते हैं बाहर और ट्रेन बस आज पता नहीं क्यों लेट हो गई थी वहाँ पे, रीज़न बताया था मैंने आपको, साबरमती के आसपास लेट हो गई थी, बाकी ट्रेन पंचुअली रहती है। तो चलते हैं अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन के खाने पीने के बारे में बात करूँ ना, तो ट्रेन में आपको रात का डिनर मिलेगा, सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा अगर आप एंड टू एंड जर्नी करते हैं तब। बाकी चीज़ें साफ़ सुथरी थी, कोच भी साफ़ सुथरा था, राजधानी है तो साफ़ सुथरी होगी। तो हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलता हूँ आपसे अब फिर किसी एक और जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है ना आप, तो विक्की शाह जीरो इंस्टाग्राम आईडी है, आ जाओ यार इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे, इंस्टाग्राम तो चलाते ही होगे आप लोग। खैर तो मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।